हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए देखते हैं एक स्पेशल टॉपिक आज, कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ कंसिस्टेंसी बैठती है कि नहीं बैठती है। मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है हर पोजीशन में कि नहीं करता है। फिलहाल हम यहाँ पे कोई कैसा पॉइंट चार्ज का केस ले रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। यहाँ पे क्या, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। मान लीजिए इस लोकेशन में मेरा कोई पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है, ओके। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एक सॉलिड एंगल यदि बात कर लें, दिस सॉलिड एंगल इज कॉल्ड डेल्टा ओमेगा। तो वैसे इसको यहाँ पे मैंने डेल ओमेगा लिखा है, बट आप इसको ऐसे बनाइएगा क्योंकि ऐसा चलता है, ओके, ऐसा भी ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में मान लीजिए ये रेडियल कंपोनेंट इसका टॉप पे है और ये बॉटम पे, ये रेडियल कंपोनेंट है। कोई भी दो सरफेस कंसिडर कर लो, एक और एक दो। तो आप ये देखो कि जितनी लाइंस ऊपर पहले वाले सरफेस से जाएगी, उतनी ही लाइन दूसरे वाले सरफेस से जाएगी। मतलब एग्जैक्टली द नंबर ऑफ लाइंस विल बी सेम, दोनों से एग्जैक्टली नंबर ऑफ लाइंस दोनों से सेम होगी। एक सरफेस आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, द नेम गिवन इज पी वन। दूसरा सरफेस आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, द नेम गिवन इज पी टू, ओके। अब मान लीजिए तो फर्स्ट सरफेस पी वन है, दैट इज एट ए डिस्टेंस आर वन, एंड द सेकेंड सरफेस इज एट ए डिस्टेंस आर टू। सो गाइज, दो सरफेस हमारे पास हैं, फर्स्ट इज एट ए डिस्टेंस आर वन, सेकेंड इज एट ए डिस्टेंस आर टू, ओके। तो यार अब क्या करना है, अब आप ले लो एंगल, एरिया ले लो इसका। क्यों? क्योंकि हम डेंसिटी निकालने वाले हैं। तो एक बात तो हमने समझ में आ गई कि अगर फिर से बोल रहा हूँ, बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपके नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ मतलब आपकी यदि सॉलिड एंगल की वैल्यू कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ लाइंस फिक्स होंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका डेल्टा ओमेगा बढ़ घट नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो आप किसी भी हालत में दो, क्या आप दस सरफेस ले लो अगर सॉलिड एंगल कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के लिए आपके पास फिक्स लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी, ओके। तो अगर इस सरफेस से एन गुजर रही हैं तो इससे भी एन गुजरेंगे, इससे भी एन गुजरेंगे, पास सेम होंगे। आपको समझ में भी आ रहा होगा, डायग्राम से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं एरिया। तो बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ थीटा, ओके। कि एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ सॉलिड एंगल, ओके। आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ सॉलिड एंगल मींस डेल्टा ओमेगा, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब कहाँ आया, कैसे आया, ये सब मत जाओ अभी, इसको रट लो आपकी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दो रीज़न बन रहे हैं, एक ये रीज़न बन रहा है, एक ये रीज़न बन रहा है। तो दोनों के एरिया निकाल लो। पहले वाले का एरिया ए वन, दैट इज इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ओके। एंड दूसरे वाले का एरिया ए टू, दैट इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा दोनों का कांस्टेंट है, केवल रेडियस अलग अलग है, ओके। अब देखिए आपके पास दोनों से एरिया से जो जाने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस से इक्वल है, दैट इज एन, एन इज द लाइंस ऑफ फोर्सेस, ओके। सो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कटिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एलिमेंट, ओके ओके। सो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कटिंग यूनिट एरिया एट पी वन, तो हम पी वन पर हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कहाँ पे, सॉरी, ये देखिए, ये जो जोन है हमारे पास, ये जो जोन है फर्स्ट जोन में, हम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जाएंगी पर यूनिट एरिया में। सो आंसर आएगा एन अपॉन एरिया, ओके। तो एरिया कितना निकाला है अपन ने, एन आर वन स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा, ये आएगा हमारे पास फर्स्ट का। इसी तरीके से इसका कितना जाएगा, एन अपॉन आर टू स्क्वायर, एन अपॉन आर टू स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो देख लेते हैं दोनों के फॉर्मूले, यस। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस एन अपॉन आर वन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, और सेकंड में कितना आएगा, एन अपॉन आर टू स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ये जो लिखा हुआ है, ओके, एन अपॉन आर टू स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइंस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल, ये क्या निकली है, डेंसिटी तो निकली है फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि ई इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइंस डेंसिटी, डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू लाइन डेंसिटी एट पी वन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लाइन एट पी टू। सो क्या हो जाएगा, ये एन अपॉन फर्स्ट डेंसिटी ऑफ लाइन बन जाएगी एन अपॉन आर वन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, एंड सेकेंड डेंसिटी बन जाएगी एन अपॉन आर टू स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा दोनों सेम है तो कैंसिल कर दो, एन दोनों का सेम है कैंसिल कर दो, आर टू स्क्वायर ऊपर आ गया, आर वन स्क्वायर नीचे चला गया, तो क्या बन गया फाइनली, आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल, ओके, आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर, यस। तो देखिए क्या दिख रहा है क्लियरली, हमें दिख रहा है कि ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं
ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंसिस्टेंट है किसके साथ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ के साथ। ओके, यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी कंसिस्टेंसी दिख रहा है। ओके, ये कंसिस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके बॉयज, ओके, तो ये कंसिस्टेंट है ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब एसएलओरो बुक में इसको कैसे दिया हुआ है जरा देख लीजिए, कंसिस्टेंसी ऑफ एन इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, इसको मैं पढ़ देता हूँ सिंपली। ओके, वही बातें हैं जो मैंने आपको कही है वहाँ पे, उसी बात को थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिख दिया है। कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एज शोन इन फिगर, द नंबर ऑफ रेडियल लाइन्स ऑफ द फोर्सेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्ज क्यू एट ए गिवन सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही बात है, कंसिडर द टू पॉइंट चार्जेस P1 एंड P2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द चार्ज क्यू, दी द सेम नंबर ऑफ लाइन्स से एन एलिमेंट एरिया, सॉरी नंबर ऑफ लाइन्स से एन कट एन एलिमेंट ऑफ एरिया R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट P1 एंड R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट P2, राइट। सो वी हैव द टू एरियाज हियर। ओके, इट इज़ क्लियरली वेरी गुड। ओके, ये दिया हुआ है डेल्टा ओमेगा फिक्स एंगल है, सो R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा इज द फर्स्ट एरिया, R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा इज द सेकंड एरिया एट पोजीशन P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली, देयर रेडियस आर R1 OP1 एंड R2 इज OP2, नथिंग टू वरी। नाउ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ, मतलब ये क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी। ओके, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस कट एट यूनिट एरिया एट एलिमेंट P1 इज इक्वल टू एन अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एंड एट P2 इक्वल टू एन अपॉन R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, राइट। गॉट एट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, सो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू एन अपॉन, हाँ मतलब डिवाइड कर दिया, तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ। ओके वाइट गॉस, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ प्रूव हो रही है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये है मेन लाइन, यस, कंसिस्टेंसी ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है ना, ये इस तरीके से प्रूव हो रहा है। ओके, थैंक यू गाइस, सो बी काइंडली स्टे ट्यून्ड विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन, टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।